हेलो बैंकर्स, गुड मॉर्निंग। और मुझे लगता है पेपर अच्छा आपने आज लोगों ने किया होगा, आईई एंड आईएफएस का। अब आपके सामने चैलेंज है पीपीबी और एएफएम, और दोनों आपको एक साथ प्रिपेयर करने हैं। और इसमें से एएफएम की प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। और मैं आपको इस बात की एक गारंटी देता हूँ कि हम लोग जो एएफएम का पेपर है उसे सिस्टमैटिकली क्रैक कर लेंगे इन आने वाले 7 दिनों में। कैसे क्रैक करेंगे, क्या हमारा रोड मैप होगा, उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने आया हूं। तो मैं एएफएम अगले 7 दिनों में आपको क्रैक करवाने की गारंटी देता हूं। गारंटी आप सोचिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दे रहा हूं, तो बदले में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे जिस तरीके से मैं आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताऊं उस तरीके से आप मुझे बस फॉलो करें। जेआईबी एएफएम ऑलिव बोर्ड का एक कैप्सूल बैच मैं आज इवनिंग से आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। इसमें आप मुझे ज्वाइन कीजिए, और इस बैच में लेक्चर लेने के अलावा मैं यूट्यूब पर आप लोगों को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। तो कंटेंट आप मेरे साथ रोजाना 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन हम करेंगे, वो पेड बैच में आप मेरे साथ कीजिए, कैप्सूल बैच में। एंड उसके बाद 1 घंटे की प्रैक्टिस आप मेरे साथ कीजिए यूट्यूब पे। अगर ये दो चीजें आप सिस्टमैटिकली, मैं जिस तरीके से आपको बैच में गाइड करूं, आपने अगर कर लिया, आपको एएफएम का पेपर 60 मार्क्स से क्रैक करने में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों से ये कमिटमेंट चाहिए कि आप बिना कुछ डिले किए मुझे यहाँ ज्वाइन करेंगे। कोड आप याद रखिएगा, पीडीवाई कोड से अगर आप मुझे इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे ये कैप्सूल बैच अवेलेबल हो जाएगा। बाइलैंग्वेज में ये रहेगा, कंटेंट जो है वो इंग्लिश में रहेगा, डिस्कशन जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में हम करेंगे। जो नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल है उसके अंदर हम बात इसमें करने वाले हैं। क्या हमारा अप्रोच इसमें रहना है, कैसे हम इस शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रिपेयर करेंगे। देखिए, आप अगर इन इमेजेस को देखें तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, इससे बेटर है वो पढ़े कूल एंड काम तरीके से, जहां एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही मिनिमम टाइम कमिटमेंट में आप लोगों से यहाँ मांगने वाला हूँ। करीब आप मान लीजिए कि डेली रूटीन में से इस एग्जाम वीक में आप मुझे 2.5 घंटा लगभग अगर देंगे, 2.5 आवर अगर आप मुझे देंगे, तो आपका एएफएम का पेपर क्रैक हो जाएगा। 2.5 आप अगर मुझे देंगे तो लगभग 2.5 ही आपको पीपीबी को भी देना है। और विद द जॉब मैं मानता हूँ 5 घंटे से ज्यादा शायद आप डेली रूटीन में ना निकाल पाए, बट मिनिमम 5-6 आवर्स तो आपको निकालने ही होंगे इस एग्जाम के वीक में, और दोनों पेपर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। एएफएम में हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, मॉड्यूल वाइज हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और क्या सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, करेंगे सब कुछ, लेकिन सिर्फ वो जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपके किसी भी सिलेबस में, किसी भी चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीजें दी हुई होती हैं जो नॉर्मली एग्जाम प्रस्पेक्टिव से नहीं होती, जिनको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाना नामुमकिन सा होता है। उन सब चीजों को इग्नोर हम करेंगे, और हर वो एक लाइन जहां से एमसीक्यू बन सकता है उसे हम कवर करने वाले हैं। मॉड्यूल ए पूरा आपका अकाउंटेंसी पर बेस्ड है। इस अकाउंटेंसी पर बेस्ड पूरे इस सिलेबस के अंदर न्यूमेरिकल का भी कुछ प्रस्पेक्टिव है मॉड्यूल ए में, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। याद रखिएगा, मॉड्यूल ए में ऑलमोस्ट 70% से भी ज़्यादा, आई मस्ट से 80% जो पेपर होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, और मैक्स टू मैक्स 20% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से आपको केस स्टडी विद न्यूमेरिकल
AFM में आपको केस स्टडी जैसा अलग से कुछ नहीं आता, डिटेल में बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, उसके ऊपर बेस आपको तीन चार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, दैट्स दी ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल बी जो है वो थोड़ी एडवांस लेवल की अकाउंटिंग है, और इस एडवांस लेवल की अकाउंटिंग में हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन दो, स्पेशली इन तीन टॉपिक्स के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ये न्यूमेरिकल भी है और कंसेप्चुअल भी है, बाकी जगह पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस जो है वो इन तीन का बहुत ज्यादा है। पढ़ेंगे हम सब, कवर हम सब करेंगे, लेकिन फोकस हमारा इन तीन पर कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। अगेन लेवल मॉड्यूल बी का जो रहने वाला है, इसके अंदर भी क्वेश्चन जो होगा वो कंसेप्चुअल ही होगा, जर्नल एंट्री से रिलेटेड यहाँ एक या दो क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, बट अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो उस केस में आप आसानी से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर कर सकते हो। फिर मॉड्यूल सी, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वेटेज है, तो इसीलिए मैंने जो पहला सेशन रखा है हमारे कैप्सूल बैच का, जो सबसे पहला सेशन हम आज करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। सारे न्यूमेरिकल एक हफ्ते पहले ही मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप उसे एक बार रिवाइज कर सके। न्यूमेरिकल्स को हम लास्ट में नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल सबसे पहले करेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये जो आज मैंने 40 न्यूमेरिकल सर ने क्लास में करवाए हैं, ये 40 पैटर्न के न्यूमेरिकल्स में से लगभग 30 पे तो मेरा कॉन्फिडेंस है। तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ एक बैलेंस आपके मन में रहेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है मेरे लिए कि मैं न्यूमेरिकल्स में भी आसानी से कवर कर पाऊंगा। क्या मॉड्यूल सी सिर्फ न्यूमेरिकल है? नहीं, यहाँ भी बहुत से टॉपिक हैं जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बनते हैं, एक दो तीन चार और पांच कम से कम ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हैं, और यहाँ से भी लगभग 5 to 8 मार्क्स, 10 मार्क्स का पोर्शन आपको कॉन्सेप्चुअल देखने को मिलता है। तो सबको उसी पैरेलेंस में हम कवर भी करेंगे। मॉड्यूल डी बहुत आसान है स्कोर करने के लिए, थोड़ा सा याद करने के लिए चीजें हैं यहाँ पे, बट वो जब आप रिसेंटली क्लास में मेरे साथ इनको पढ़ोगे तो वो मोटे मोटे तौर पे आपको याद रहेगी। मैं वो सारी सेलेक्टिव चीजें इसमें आपको करा दूंगा, क्वेश्चन दिखते ही आपको याद आ जाएगा हमारी क्लास में ये डिस्कस हुआ था। तो मॉड्यूल डी जो है वो आपको एक पूरा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड देता है एग्जाम में, और बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस मॉड्यूल डी से पूछे जाते हैं, बहुत डीप लेवल पे इसमें चीजें नहीं पूछी जाती। अब जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारा पैटर्न, हमको क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। हम जब कैप्सूल बैच में पढ़ेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव भी इस एग्जाम पैटर्न के बेस पर ही होगा। हम जब कंटेंट कवर कर रहे होंगे तो हमें पता है लगभग 70% जो है वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, तो हमारा फोकस भी इस 70% पर सबसे ज्यादा होगा। एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आसान भाषा में, ताकि जब आपको एनालिटिकल फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो आप उसे देखते ही समझ जाएं कि हाँ, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, अरे इसमें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो वो आपको जेनरिक लैंग्वेज में, अकाउंटिंग और फाइनेंस आपको जितना जेनरिक लैंग्वेज में पता होगा उतना ही बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। और जो 30% पोर्शन है, इसमें हमको केस स्टडी, न्यूमेरिकल और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो सब पूछे जाएंगे। जब हम पढ़ रहे होंगे, मैं आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन भी ये रेफरेंसिंग दूंगा कि यार, ये एक टॉपिक ऐसा है जहां से आपको हम जिसको बोलते हैं कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक आपको कहानी दे दी जाएगी, उसमें से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं,
दैट आई विल गिव द रेफरेंस ड्यूरिंग द डिस्कशन, ताकि आपका एक प्रस्पेक्टिव बना रहे एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। ध्यान रखिएगा, आज से हम शुरू कर रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्टिवेट होने में भी एक आध घंटा इसमें लगता है। इवनिंग में हम पहला लेक्चर करने वाले हैं, तो याद रखिएगा ऐसा ना हो जाए कि आप 7 बजे 8 बजे सब्सक्राइब कर रहे हैं और फिर एक्टिवेट होने में इवनिंग में 10 बजे तक का टाइम जा रहा है, तो वो न्यूमेरिकल वाला सेशन आपके हाथ से चला जाए। तो आपको एक परफेक्ट टाइमिंग पे शुरू करना है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ये कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसको आपने अच्छे से अगले 6 दिन फॉलो कर लिया, कोई नहीं रोकेगा आपको, यू विल ईजीली क्रैक योर एग्ज़ाम। और ये मैंने खुद पिछली बार इसीलिए एग्ज़ाम दे के देखा है कि मुझे पता लग सके कि लेवल ऑफ द पेपर क्या होता है, उसी हिसाब से मैंने ये 6 दिनों का कॉन्टेंट आपके लिए बनाया है। तो डोंट बी लेट, जैसे मैडम आप देख सकते हैं इस इमेज में, बाकी लोग लगभग आधी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसके बाद फिर मैडम तैयार हो रही है, तो मैडम को अब स्पीड से करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता इन 6 दिनों में आप कोई रश करें, आप कोई पैनिक लें कि 6 दिन में 2 पेपर कैसे करेंगे। एक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप मुझे 2 घंटा 2.5 घंटा डेली दीजिए और मैं आपका ये एग्जाम क्रैक करवा दूंगा AFM का, दैट्स माई श्योरिटी। टाइम पे लेकिन आपको शुरू करना है, यू हैव टू बी अप फ्रंट इन द प्रिपरेशन। तो इवनिंग वाली क्लास के पहले जरूर आप इसे रजिस्टर कर लें। 2 चीजें जरूरी है, कंटेंट और उस कंटेंट का एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। आपका रिवीजन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अनलेस यू रिवाइज थिंग्स एग्जाम ओरिएंटेड, जो लोग पहली बार प्रिपेयर करेंगे उनको कंटेंट का बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी चुके हैं उन्हें भी रिवीजन के लिए ये बेस्ट बैच है। अगर आप एक बार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपने एक बार पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन आप इस पैनिक में हैं कि सर हम 2 पेपर कैसे रिवाइज करें, तो एक की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इस पेपर को आपको पर्सनली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा। जितना मैं करवाऊंगा उतना अच्छे से आप रिवाइज कर गए, 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बट यू हैव टू बी कंटिन्यू। 2 ही कंडीशन है मेरी, आपको रेगुलर रहना है, कोई क्लास स्किप नहीं करना, और आज से ही शुरू करना है। ऐसा नहीं हो कि सर हम 2 दिन बाद सब्सक्राइब कर लें, कर लें लेकिन फिर वो पिछले 2 दिन के रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, वो बहुत आपके लिए हो सकता है कभी कभी कि इतना कंटेंट कवर करना, उसके लिए फिर एक आध छुट्टी आपको लेनी पड़ सकती है ऑफिस से, क्योंकि अगर आपको 4 घंटे का वीडियो कवर करना है तो डोंट बी लेट फॉर दैट। अगर आप कंफर्टेबल हैं 4 घंटा रिकॉर्डेड रिकवर कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई सजेस्ट 20 तारीख से आपको शुरू कर देना है, तो सिस्टमैटिकली आपको आउटपुट मिलेगा। सर क्वेश्चंस करने हैं, MCQ प्रैक्टिस करनी है क्या? मैं YouTube पे करवा दूंगा, आपको अलग से कोई बैचेस जाके या PDFs पढ़ के या वो MCQ प्रैक्टिस नहीं करनी। रेलिवेंट MCQ की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को डेली, जैसे हम बैच में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी मॉड्यूल उसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs में आप लोगों को यूट्यूब पे पैरेलली करवा दूंगा। तो 1 घंटे का डेली हम यूट्यूब पे भी सेशन रखेंगे, उस सेशन को बस आप लोगों को देख लेना है, वो जो 1 घंटे का सेशन है वो आपको सारी आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी करवा देगा। और अगर अगले 6 दिन ये पैटर्न आपने सिस्टमेटिकली फॉलो कर लिया, बैच में लेक्चर अटेंड करो फिर MCQ प्रैक्टिस करो, ये जिसको कहते हैं ना पेन डाउन एग्जाम आपका कंप्लीट है, कोई आपको फिर एग्जाम में नहीं रोकने वाला, ठीक है? तो आपको टेंशन MCQ की लेने की जरूरत नहीं। ये बैच है कैप्सूल बैच, मिलिए आप मुझे इसमें एंड पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए मेरे साथ, मैं इस जर्नी में आखिरी तक आपके साथ खड़ा हूं, बिलीव मी। लेक्चर, यूट्यूब और फाइनल डे का मैराथन मैं लेके चलूंगा आपको पार AFM में विद 60 मार्क्स। डोंट वरी, जस्ट ज्वाइन मी, कोड आप याद रखना, PDY कोड से आप इसे ज्वाइन कीजिए, डायरेक्टली मुझसे आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। जब आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो ड्यूरिंग द डे भी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भेजूंगा, जो कि आप थोड़ा 10-15 मिनट के फ्री टाइम में भी दिन भर में यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन।
पीडीवाई कोड से मिनिमम कॉस्ट में कैप्सूल बैच में आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मिलिए मुझे इवनिंग में न्यूमेरिकल सेशन के साथ और सारे न्यूमेरिकल्स आज हम एक साथ कवर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं इवनिंग में बैच में, टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, थैंक यू।